140 करोड़ जनता की जो मांग है हमारा भी वही मांग है। राहुल गांधी जी हैज़ टू टेक पोजीशन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार जो किसानों के खिलाफ आवाज़ उठाए, बेरोजगारी में धोखा दिए, ऐसे सब सारे जनता को जो धोखा दिए, ये सब सारे मौके पे राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी उठाए, ये किसानों के लिए, बेरोजगार युवा के लिए, महिलाओं के लिए राहुल गांधी लगातार लड़ते रहा है। तो इसीलिए आज के तारीख में आप लोगों को कोई शक, कोई सवाल करने का कोई आपको मौका भी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल संसदीय दल की बैठक में कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीत कर आई है आपके राज्य कांग्रेस में, वहाँ भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लोग जान गए हैं, वहाँ पर भी आपके शासन में एक साल में भी आप लोगों ने मांग पूरी नहीं की, इसलिए मैंडेट दिया है। वो उनके पूरा आंकड़े पता नहीं होगा, तेलंगाना में उन लोगों को 4 थे, इस बार 8 मिले, पिछले बार हमको 3 था, इस बार 8 मिले, और असेंबलियों में भी हम लोगों को पिछले बार सरकार बनाया जब 64 असेंबलीज में हमको मेजॉरिटी आए थे, इस बार 64+1 असेंबली बाय इलेक्शन आए तो वो भी हम जीत लिया, अभी 65 हो गए, और पिछले बार असेंबली इलेक्शन में हमको 39.5 वोटिंग शेयर था, मिला था, इस बार 41% शेयर, वोटिंग शेयर मिले थे हमारे सरकार को। तो इसीलिए मोदी जी आपके जो प्रदेश से गलत आंकड़े आपको दिखा रहे आपके नेता लोग, गलत फहमी में मत पड़ो। और दूसरी बात रहा, महाराष्ट्र में आपके सरकार है, पर महाराष्ट्र में आपके हाल क्या हो गए? उत्तर प्रदेश में जहाँ पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वाराणसी में कितना वोटिंग परसेंटेज मिले, कितना मेजॉरिटी मिले और कितना सीट मिले, इसका मतलब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मोदी जी सरकार के खिलाफ लोग कांग्रेस पार्टी को जिताए। तो जिम्मेदारी लेकर उत्तर प्रदेश में मोदी जी इस्तीफा देना चाहिए था, और इस बार मोदी गारंटी कहकर गए, मोदी गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, तो मोदी जी इस्तीफा दिए तो शोभा है। सर 5 साल चलेगी गठबंधन की सरकार, ये प्रेडिक्शन नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष तो मैं जानता हूँ नहीं, अभी खुद के पार्टी में क्या सवाल उठने वाले हैं, किसानों का सवाल क्या आने वाले है, विपक्ष के सवाल क्या आएंगे, उनके स्वपक्ष में जितने भी साथी लोग हैं एनडीए में, ये सब क्या होने वाले हैं अभी नहीं, अभी कुछ टाइम के बाद पता लगेगा। क्यों भाई, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, जो इंडिया अलायंस बैठकर तय करेगा, तो इसीलिए इंडिया अलायंस में सब नेता लोग क्या सुझाव देंगे वो सुझाव लेकर कांग्रेस पार्टी आगे जाएंगे, कांग्रेस पार्टी अकेला कुछ डिसीजन नहीं लेते, इंडिया अलायंस सब नेता लोगों को बिठा के सबके साथ हम चर्चा कर लेके हम आगे कदम उठाएंगे। लेकिन अलायंस के कुछ दलों का ये कहना है कि नायडू और नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, इस पर आपका क्या? अभी जो नेता कहा उन्हीं से वो सवाल पूछे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये सवाल अभी ये सवाल का जब मौका ही नहीं है, क्योंकि वो लोग सब एक साथ में बैठकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर भी दे चुके हैं, सरकार बनाने के लिए वो तैयारी हो जा रहे, तो ये विपक्ष जो नेता लोग जो कह रहा है वही नेता लोग कहना कि क्या हो रहा है।